आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। कमलनाथ सरकार विधायकों और मंत्रियों की संपत्ति पर संकल्प पत्र लेकर आने वाली है, जिस पर भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संकल्प पत्र के हलफनामे में सरकार तबादला उद्योग की कमाई का भी जिक्र करे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मंत्री इस बात का उल्लेख करें कि उन्होंने 11 महीने में बिचौलियों के माध्यम से कितना पैसा कमाया है। अगर कांग्रेस के मंत्री ये सब करते हैं तभी असल मायने में संपत्ति का संकल्प पत्र माना जाएगा। ये हर चीज पारदर्शी हो, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाने की हिमायती रही है, पर मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस हलफनामे में कांग्रेस के मंत्री उसका भी जिक्र करें कि तबादला उद्योग में उन्होंने कितना कमाया। वो इस बात का भी उल्लेख करें कि इन 11 महीने की सरकार में जो 2 नंबर की अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शुरू की है उसकी क्या स्थिति है। मुझे अच्छा लगेगा और मैं स्वागत करूंगा जब कांग्रेस के मंत्री इस बात का खुलासा करें कि उनके बिचौलियों के माध्यम से, उनके दलालों के माध्यम से उन्होंने कितना पैसा कमाया। मुझे अच्छा लगेगा जब मुख्यमंत्री निवास में बैठे हुए लोग इस बात का खुलासा जरूर करें कि आयकर के छापे में उनके यहाँ जो अकूत और बेनामी संपत्ति मिली उसका सोर्स क्या था। ये सब कुछ करेंगे तभी सही मायने में कांग्रेस के मंत्रियों के अपना संपत्ति दिखाने का ब्यौरा सही रूप में माना जाएगा। सर, खादी जो